एस एस पी जिला गुरदासपुर के दिशा निर्देशों अनुसार ट्रैफिक इंचार्ज इंस्पैक्टर श्याम लाल की प्रधानगी हेठ डी ए वी गर्ल्स स्कूल गुरदासपुर विखे ट्रैफिक सैमीनार लगाया गया, जिस विच ट्रैफिक एजुकेशन सैल वालों 75 जरूरतमंद बच्चों वर्दियां आते स्टेशनरी दिती गई, जिस विच मुख मेहमान के तौर उत्ते डीएसपी पीएस प्रहलाद ट्रैफिक इंस्पैक्टर श्याम लाल पहुंचे। ट्रैफिक सैमीनार विच हैड कंस्टेबल संजीव कुमार ने बच्चों नूं ट्रैफिक रूल्स दी जीवन विच महत्ता दे नशियां तों दूर रहने लई प्रेरित किया। जदों इस संबंध विच पत्रकारां ने ट्रैफिक इंचार्ज इंस्पैक्टर श्याम लाल नाल गल कीती तां उन्हां दस्सिया कि एस एस पी गुरदासपुर के दिशा निर्देशों के अनुसार ही गुरदासपुर विच जरूरतमंद बच्चों नूं वर्दियां अते स्टेशनरी वंडण दा कार्ज किया है। यह कार्ज समाज के चंगे लोगों की मदद नाल ही किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने आदेश मुताबक ही हर स्कूल विच जा के जरूरतमंद बच्चों का पता करके समाज सेवियों की मदद नाल उन्हां दी सहायता की जाएगी। गुरदासपुर तो दीपक कुमार की रिपोर्ट, जगत सेवक वैब टीवी। पुलिस के अफसर आए, उन्होंने आके बच्चों गरीब बच्चों वर्दियां वंडियां ते होर भी काफी सहायता की। मैं उन्होंने सारिया का बहुत बहुत धन्नवाद करती हाँ, स्कूल वालों मैनेजमेंट कमेटी वालों ते अपने वालों ते अगे भी वह आके साडे स्कूल दे गरीब बच्चों की इस तरह ही मदद करते रहन। मैं उन्होंने एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। सारा जिहड़ा उपराला ये समाज के नाल जिहड़े अच्छे इंसान जुड़े हुए उन्होंने सेवावां लैके होया। कुछ एस एस पी साहब जिहड़े गुरदासपुर ने वह बहुत ही ये गल तो चिंतित रहिंदे आ भी जिन्हें भी आने वाले बच्चे है, पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, ये नशियां तो दूर रहे ते इन्हां नूं वध तों वध इन्हां दी हैल्प की जा सके। जिन्हां को यूनीफॉर्म नहीं है यूनीफॉर्म दिती जाए, जिन्हां को कोई किताब नहीं है उन्हां किताब दिती जाए, जो भी पढ़न दा समान मुहैया चाहिए कराना चाहिए वह कराने वेले तत्पर रहिंदे आ। उन्हां दे मैनू आदेश है भी कोई स्कूल हर स्कूल च जाओ, जिहड़े बच्चे थल्लड़े दर्जे दे आ वह चंगे समाज सेवी जिहड़े हैगे आ उन्हां दी मदद लवो ते उन्हां नूं उन्हां दी हैल्प करो उन्हां दे जरिए, तां जो समाज विच नशियां दा कम ते बंद हो सके ते पढ़ाई का सत्र उच्चा हो सके, तां जो आने वाले जिहड़े भारत दे जवान है वो नशा मुक्त हो सके। ऑडियो जंगल।